इसलिए मैं चाहूंगा तीसरा सेट अगर देखना चाहते हैं तो आपकी तालियां आनी चाहिए। इस बार मौका होगा पुणे सोमू की बारी थी और हवाई फायर कर दी है सोमू ने, अपना जलवा दिखा दी है सोमू ने। फिर दूसरे सेट में मुकाबला चलता हुआ फाइनल ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। इस बार बढ़िया प्रयास था और हाथ से लगकर मैदान से दूर जा गिरी है गेंद, अंकों में पुनः इजाफा होता हुआ चलता हुआ एक सेट जीत कर यहाँ पर। चलिए दर्शक जान रहे हैं निश्चित ही खेल के एक एक बारीकियों से परिचित हैं। इस बार बढ़िया यहाँ पर तरीके से लिफ्ट किया गया है पर और क्या एक बार। चलिए इस बार सर्विस छत्तीसगढ़ गौथा बल्कि भिलाई की टीम है, गौथा के कुछ खिलाड़ी इसमें बार बढ़िया ब्लॉक हुआ था लगातार सर्विस हो रही है छत्तीसगढ़ की पाले से बढ़िया सर्विस। इस बार मौका होगा मुंबई के पास छोटी बॉल बहुत ही अच्छा इसमें था दो चार अंकों के साथ सर्विस होगी मुंबई के खेमे से। सोमू की बारी होगी यहाँ पर और सोमू जब भी गेंद के लिए जाते हैं काफी खूबसूरत इसमें पांच दो अंकों के साथ पुनः स्वागत है भैया राकेश बल्कि रमेश सयाम जी बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद संतोष होगा था बड़ी विशेष खाली जगह में प्लेस किया वहाँ थ्री फाइव के साथ सर्विस के लिए तैयार अच्छा सर्विस थी उतना ही अच्छा पास मिला है तैयार शो बढ़िया स्पेस और भाई के लिए एक बार बाल को भी बनाते हैं लगातार बाल को हालांकि बढ़िया अच्छा खेल है जब नैगवा में आए थे कवर्धा के नाम से तब शो अव्वल दर्जा का खेल तैयार मौका था लिफ्ट की जा रही है सोमो अटैक लाइन के आसपास से स्पेस की गई थी बॉल के नीचे बढ़िया प्रयास था बॉल को लेके आए हैं उतना ही अच्छा जर्सी नंबर 7 का स्पेस थी जी हाँ और लगातार ये पूर्णतः बुद्धिमानी के साथ जो लिफ्टर लिफ्ट कर रहे हैं उसका फायदे मिल रहे हैं मुंबई को। फिर हार तैयार मौका था भैया स्पेस गलती हुई ब्लॉक जरूर हुई थी वहाँ पे भिलाई को स्कोर जब पहुंचा है 715 के साथ दो अंक से बढ़त में है का तीसरे निर्णायक होना तय है ऐसा लग रहा है और इसके इसकी 6-7 के साथ ये मुकाबला तैयार 6-7 के साथ मौका है अच्छा खाली जगह थी वहां पे तीन खिलाड़ी आगे पद जगह में बढ़िया खाली जगह हल्की से पुश किया था अंक मिला है भिलाई को 8 अंकों के साथ सर्विस होगी 2 अंकों का फैसला है मौका था बढ़िया स्मैश बलाकर को लगातार चकार शॉट बराबर 8 बराबर के साथ है मुकाबला सर्विस के लिए तैयार अच्छी सर्विस थी उतना ही बॉल को संभाला है और उससे ही अच्छा स्मैश थी असीम तैयार थे जरूर वहां पे लेकिन समझ नहीं पाए और शॉर्ट गेंद थी वहां पे उतना ही अच्छा स्पेस था और अंक मिला है 9 अंकों में जा पहुंचा है 9-8 के साथ ये मुकाबला अच्छी सर्विस थी पास तोड़ा है और बढ़िया मौका है वहां पे सोमो तैयार बढ़िया स्पेस थी और उतना ही अच्छा फायदा मिला है बढ़िया स्पेस जी हाँ दोनों ही पाले से और हिस्सा बराबर 9 बराबर पता नहीं भाई संतोष लेकिन जो मौका है अच्छा सर्विस थी वहां पे लिफ्ट की जा रही है मौका बढ़िया स्पेस लेकिन उतना ही करारा ब्लॉक हुआ है जर्सी नंबर 10 हालांकि 2 अंक वही है मुंबई का जो एक्सप्रेस टीम है और सर्विस होगी किस्मत साथ दी है केवल जर्सी नंबर 17 अच्छा सर्विस थी वहां पे नेट को उलझी थी और उलझने के बाद भिलाई के पाले में गई बॉलर इन हुई और अंक मिला है 12 अंकों के साथ क्या किस्मत गजब का सर्विस ऐसा लग रहा है रिप्ले है जिस तरीके से रिप्ले देखने को मिलता है वह पुनः रिप्ले हुई थी सर्विस के साथ 13 अंकों में जा पहुंचा है और
भाई गोल्डी की मुस्कुराहट है, झूठी मुस्कुराहट है, वह मुस्कुराहट को साबित करना होगा। काफी अंकों से पीछे है, चार अंकों का फैसला है। बढ़िया इसमें इसी बॉल को संभालने के प्रयास, संभल गई है, मौका है वहां पे, इधर से तैयार और बढ़िया इसमें इस। दस अंक 10-13 के साथ सर्विस के लिए तैयार। अच्छा सर्विस, बॉल को संभाला है और उतना ही अच्छा बॉल को संभालने का प्रयास। एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे, पता नहीं दोनों का चेहरे आमने सामने थी, बॉल तरफ कोई नजर नहीं थी और उनसे भी गलती हुई और अंक मिला है। और वही 11 अंकों में जा पहुंचा है भिलाई। 11-13 के बाद दो अंकों का फैसला, वापसी करेगी निश्चित ही पूर्ण संभावना के साथ। पास मिली है, मौका है वहां पे, बढ़िया स्मैश, जी हाँ ऐसा लग रहा है बिल्कुल चेस्ट में लगी थी बॉल और बढ़िया इसकी टीम। वही 11 अंकों के साथ खेल रहे हैं। अच्छा पास देने का प्रयास था लेकिन उनसे भी गलती हुई, पुनः तैयार। मुंबई के पाले में मौका है, जर्सी नंबर 10 अंतिम क्षण में अपने रिदम को बदला था, हल्के से पुश किए थी और गलती हुई। जर्सी नंबर 7 15-10 के साथ है मुकाबला, देखना होगा सब बढ़िया थी। जो 4 अंक का अंतराल है वह कैसे पूर कर पाएगी, हालांकि गोल्डी को बाहर की गई है अभी रोटेशन के पद्धति से, देखना होगा। मौका था वहाँ पर, बढ़िया स्मैश थी और काफी ज्यादा बाहर अभी कहा मुख्य निर्णायक भाई सतीश सराम और अंक मिलेगा भिलाई को 12 अंकों के साथ 13-15 के साथ सर्विस के लिए तैयार। अच्छा सर्विस थी, उतना ही अच्छा पास मिला है, मौका है बढ़िया स्मैश। वही बहुत बहुत धन्यवाद सयाज जी, बढ़िया मुकाबला चलता हुआ और जिस तरीके से मुंबई का खेल देखने को मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। नीचे थी काफी दिन बाद मुंबई की टीम और इस बार पुनः सोमू की बारी है और काफी खराब सर्विस, 17-14 लीड के साथ खेलती हुई नजर आ रही है मुंबई की टीम। ऐसे में कहीं नहीं कहीं दूसरे सेट में भी हावी अगर कहा जाए तो वह है मुंबई की टीम। बार बढ़िया अटैक है नशे थे, एक और अंक मिलता हुआ मुंबई को तैयार। बार पुनः बढ़िया पास ही छोटी बार में बड़े प्रहार हुआ था और फाउल कहा रेफरी ने, अंकों में इजाफा होता हुआ पुनः मुंबई को 19-14 और लगभग अब यहां से एक जीत की सुगुआहट अब मुंबई के खेमे में नजर आने लगी है, लेकिन क्या यहां से कुछ अच्छा खेल दिखाएगी खिलाई, कुछ इस तरीके से खेलना होगा मैच में बने रहने के लिए। एक सेट गवा चुकी है भिलाई की टीम, जबकि एक सेट से आगे है और टाइम आउट यहाँ पर, बल्कि एक छोटा सा चेंज खिलाड़ी हो रहे हैं। खराब सर्विस और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब एक दबाव महसूस करने लगी है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की टीम। बाल और जैसा कुत्ता ऐसा ए आल ले। बढ़िया स्मैश, मुंबई काबिले तारीफ खेली है। अंतिम आहुति छत्तीसगढ़, इस बार मौका होगा छत्तीसगढ़ के पास और साइड लाइन से क्या बाहर गई है बॉल, इनका रेफरी ने और अंकों में इजाफा होगा मुंबई को। जाते जाते अच्छा खेल दिखाना होगा छत्तीसगढ़। फाइनल मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिस तरीके के मुकाबले देखना चाहे थे दर्शक वो फाइनल में नजर नहीं आई, इसके चलते कहीं ना कहीं दर्शकों में यहाँ पर कमी हुई। इस बार यहाँ से अगर पासा पलट दे तो निश्चित मुंबई लगातार आगे जा रही है। बढ़िया सर्विस है, मौका होगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ को यहाँ पर दिखाना होगा और निश्चित भी बढ़िया स्मैश है और डिसीजन आना शेष है। अब तक स्कोर बताएं,
24-15 लास्ट पॉइंट और इसी के साथ